हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता किचन रेसिपी। और आज मैं फिर एक रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चाउमीन। और मेरी ननद आई हुई है क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो रही है और वो काफी अच्छा खाना बनाती है। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने खाना बनाना सीखा है, तो चलिए मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी ननद है, ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, इन्हीं से मैंने सीखा है। और इनके बच्चे भी आए हुए, और ये है उनका बड़ा बेटा तरुण। हेलो फ्रेंड्स, और ये उनका छोटा बेटा दिशु। आज मैं मम्मी के साथ चाउमीन बनाने में उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या मैं चाउमीन बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ? हम बिल्कुल कर सकते हो। और आज इस चाउमीन को बनाने के लिए इनके साथ मैं दिशु चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, और इसको तो आप जानते ही हो, बाबू है। इसको भी चाउमीन पसंद है, तो आज इन सब लोगों ने फरमाइश की है कि चाउमीन बनाऊं, तो इसलिए हम चाउमीन बना रहे हैं। आप लोग कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, और ये है मेरी बेटी दक्षिता डोली। तो चलिए चाउमीन बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी हम उनको एक बार देख लेते हैं। एक पैकेट मैंने यहाँ पे ली चाउमीन, जो स्टिक आती है वो वाली ली है मैंने ये, और इनको मैंने पानी में बॉईल कर लिया है। और अब मैं इनको पानी निकाल के इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूं ताकि आपस में चिपके नहीं। और सब्जियों में हम लेंगे, मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 3 ही मीडियम साइज की प्याज ली है जिनको मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 2 शिमला मिर्च ली है जिनको भी मैंने काट लिया है। और एक छोटी मैंने ली है यहाँ पे बंद गोभी, जिसको बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और मसालों में हम लेंगे धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और राई ली है। और ये है मैगी मसाला, आप इसकी जगह पाव भाजी मसाला भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिया है मैंने विनेगर, आप इसकी जगह सोया सॉस भी यूज कर सकते हो। तो चलिए चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। यहाँ पे मैंने चाउमीन में थोड़ा सा तेल लगा दिया है और इसका पानी निकाल लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर लूंगी और इसमें डाल देंगे तेल। तेल में बताना भूल गई थी आपको, इसमें तेल की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज्यादा रखनी है क्योंकि हमारी चाउमीन की क्वांटिटी भी आप देख रहे हो, इसमें थोड़ा सब्जी से ज्यादा तेल लगता है, तो मैंने तेल डाल दिया इसमें। तेल को गर्म होने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे राई। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे राई। 1 टेबल स्पून राई ली है मैंने, डाल देंगे इसको। और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने शिमला मिर्च और बंद गोभी ली थी उसको डाल देंगे। और फिर मिक्स कर लेंगे। अब इनको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आधी पक चुकी है सब्जियां। अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज और टमाटर को भी डाल देंगे साथ में। इनको अच्छे से मिला लेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे मसाले। वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून ली है मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये थोड़ी तीखी कम है इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून डाली है। और नमक डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है मैगी मसाला। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों को 2 से 3 मिनट पकने देंगे। हमारे मसाले हैं वो पक गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे विनेगर। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून विनेगर डाला है, आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा खट्टा होता है।
अब इसको पका लेंगे एक मिनट के लिए और इसमें डाल देंगे अपनी जो चाउमीन रखी हुई है हमने बॉईल करके, चाउमीन को डाल देते हैं इसमें। आप थोड़ी थोड़ी करके डालिए और उसको मिलाते रहिए। अच्छे से मिक्स कर ले एक और स्पून की सहायता से, किसी की सहायता से आप इसको अच्छे से मिक्स कर ले। ये बची हुई है इनको भी डाल देंगे। आप थोड़ा बड़ा बर्तन यूज कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि चाउमीन की क्वांटिटी ज्यादा है और बर्तन शायद हमारा छोटा लग रहा है मुझे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब गैस का फ्लेम कर देंगे। वो हमारे चाउमीन बनके तैयार है और यहाँ पे मैंने लिया है सॉस, आप इसके ऊपर भी डाल सकते हो, इसमें मिला सकते हो और जब आप सर्व करते हो उसके सॉस के साथ कर सकते हो। तो मैंने इसमें डाल दिया है, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको निकाल लेंगे सर्विंग बोल में, सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। और बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं, कब से बनेगी हमारी चाउमीन। मामी कितनी देर और लगेगी? बस अभी तैयार है। कितनी देर और लगेगी? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल मैंने इसको सर्विंग बोल में निकाल लिया है और अब हम इसमें सॉस डाल देंगे। और ये हमारी गर्मा गर्म वेज चाउमीन बनके तैयार है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है आप उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब मैं बच्चों को बुलाती हूँ चेक करने के लिए कि चाउमीन हमारी कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी मामी के चैनल की ये चाउमीन पसंद आई है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी मम्मा के चाउमीन पसंद आई तो मेरे मम्मा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चल मिलते हैं एक नए चटपटी रेसिपी के साथ। बाय बाय। Yummy. अगर आपको मेरी मम्मी की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबाना न भूलिए। तो बच्चों को अच्छी लगी है चाउमीन की रेसिपी तो आप भी जरूर ट्राई करें। और तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।